वेलकम टू ट्रू शेयर बाजार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक आईपीओ के बारे में और डिस्कस करेंगे कि इस आईपीओ के अंदर हमें निवेश करना चाहिए या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने बहुत सारे यूट्यूब के ऊपर वीडियो देखे, तो जो यूट्यूबर्स हैं वो सीधा सीधा जो लिखा हुआ है उसे पढ़ के बता रहे हैं। तो इससे क्या है, बहुत सारे जो छोटे निवेशक होते हैं, रिटेल इन्वेस्टर, वो समझ नहीं पाते हैं कि कंपनी करती क्या है। इसलिए मैंने अलग से मेहनत करके, स्टडी करके ये प्रेजेंटेशन बनाया ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपनी का नाम है एबेंस होल्डिंग्स लिमिटेड। इनके तीन बिजनेस हैं। पहला बिजनेस है फाइनेंस बिजनेस। कंपनी आरबीआई से मान्यता प्राप्त एनबीएफसी कंपनी है, जो बैंकों की तरह काम करती है, जैसे लोन देना, इस टाइप से और भी इनके काम है। दूसरा बिजनेस है इनका एजेंसी बिजनेस। कंपनी सेबी से मान्यता प्राप्त स्टॉक और कमोडिटी एक्सचेंज ब्रोकर्स है। शॉर्ट में आपको बता दूं तो कंपनी शेयर मार्केट से रिलेटेड जितने भी काम है वो सारे करती है। आप इसे पाउज करके भी पढ़ सकते हो। जैसे एग्जाम्पल में बता दूं, यानी उदाहरण के लिए, कंपनी जैसे किसी क्लाइंट को पैसा कहाँ निवेश करना है, इस टाइप से एडवाइस करने का भी काम करती है। इनका जो बिजनेस है वो यूके, सिंगापुर, यूएई, चाइना, मॉरिशस और इंडिया सहित 6 देशों में फैला हुआ है। तीसरा इनका बिजनेस है कैपिटल एंड अदर बिजनेस। अब बात कर लेते हैं कंपनी इस आईपीओ से मिलने वाली रकम का कहाँ उपयोग करेगी। तो कंपनी इस रकम का इस्तेमाल इनकी एनबीएफसी सब्सिडायरी एबेंस फाइनेंस लिमिटेड में निवेश के लिए करेगी। उदाहरण के लिए दोस्तों, जैसे इनके पास 500 करोड़ रुपए थे और 500 करोड़ का इन्होंने लोन बांट दिया, इसके बाद और भी कस्टमर है जिनको लोन की ज़रूरत है, तो ये जो पैसा आईपीओ से जुटा रही है तो इसमें से कुछ पैसा ये लोन में काम में लेगी। जब ये लोन बांटेगी तो वहाँ से इनको इनकम बढ़ेगा, यानी वहाँ से इंटरेस्ट वगैरह आएगा तो इनका इनकम बढ़ जाएगा, रिवेन्यू भी बढ़ेगा और इनका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। बाजार जानकारों का कहना है कि एबेंस होल्डिंग्स लिमिटेड के शेयर ग्रे मार्केट में प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं। कंपनी के शेयर ग्रे मार्केट में 12 दिसंबर को 20 रुपये प्रीमियम पर उपलब्ध है। इस हिसाब से देखें तो इस आईपीओ के शेयर बाजार में 290 रुपये में लिस्ट हो सकते हैं। हालांकि ध्यान रखने वाली बात यह है कि जरूरी नहीं है कि अगर ग्रे मार्केट में किसी आईपीओ के शेयर प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं तो उनकी शेयर बाजार में लिस्टिंग भी प्रीमियम पर ही हो। आईपीओ ओपनिंग डेट 12 दिसंबर 2022 है और क्लोजिंग डेट 15 दिसंबर है। शेयर का अलॉटमेंट 20 दिसंबर को किया जाएगा और 21 दिसंबर को पेमेंट रिफंड कर दिया जाएगा जिन्हें शेयर अलॉट नहीं होंगे, और 22 दिसंबर को शेयर क्रेडिट कर दिए जाएंगे आपके डीमैट अकाउंट में, और आईपीओ की लिस्टिंग डेट 23 दिसंबर रहेगी। शेयर प्राइस बैंड जो है 256 से 270 रुपये रखा गया है। क्यू आईपी के लिए 10% का कोटा फिक्स किया गया है, एनआईएस के लिए 30% और रिटेल इन्वेस्टर के लिए 60% का कोटा फिक्स किया गया है। एबेंस होल्डिंग में प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो आईपीओ ओपन होने से पहले, यानी अभी 97.42% है, और आईपीओ क्लोज होने के बाद, यानी शेयर मार्केट में लिस्टिंग के बाद 72% की हिस्सेदारी इनकी बचेगी। अब सबसे ज्यादा फोकस करने वाली चीज है सेल्स और प्रॉफिट। तो आप देखेंगे 2019 में 4,300 करोड़ का सेल्स था, जो कि गिरकर 2020 में 2,700 करोड़ रहा, 21 में 1,300 करोड़ और 2022 में 646 करोड़ की इनकी सेल्स रही है। यानी 4,000 करोड़ से इनका सेल्स गिरकर 600 करोड़ रहा है। हर साल इनके सेल्स में गिरावट हमें देखने को मिल रही है, जो कि सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। 7 गुना लगभग इनकी सेल्स में गिरावट है। 2019 में 36 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट किया था, जो कि बढ़ते बढ़ते 61 करोड़ हो चुका है। लेकिन इसके पीछे एक लॉजिक है, वो यह है कि कंपनी का जो कर्जा था इन्होंने कम किया। पहले यहाँ पर 2019 में 50 करोड़ का इन्होंने इंटरेस्ट पे किया था उस कर्जे के ऊपर, फिर अगले साल 2020 में इन्होंने कर्जा कम किया तो इनके प्रॉफिट बढ़े। ऐसे करते करते इनका कर्जा जैसे जैसे कम होते जा रहा है तो प्रॉफिट बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जब सेल्स ही नहीं बचेगा तो फिर प्रॉफिट जनरेट कहाँ से होंगे। चलिए आगे हम डिस्कस करेंगे इसके लिए। और कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग तो आपने देख ही ली है, 97% है। रिटर्न ऑन इक्विटी लास्ट ईयर का 13% है और लास्ट 3 ईयर का एवरेज 10% है। सेल्स 639 करोड़ का कंपनी सेल्स करता है और 62 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमाता है। कंपनी के ऊपर 267 करोड़ का कर्जा है। लास्ट ईयर का सेल्स ग्रोथ आप देख सकते हैं -52% और लास्ट 3 ईयर का एवरेज सेल्स ग्रोथ -47%। प्रॉफिट ग्रोथ आप देखेंगे 46% की है लास्ट ईयर की, और लास्ट 3 ईयर का प्रॉफिट ग्रोथ 20% है। टोटल एसेट 1,182 करोड़ के हैं और कंपनी के पास 445 करोड़ के रिजर्व अवेलेबल हैं। अब बात कर रहे हैं मेरी ओपिनियन की, तो मैं ऐसे स्टॉक में निवेश बिल्कुल भी नहीं करता हूँ।
जिसकी सेल्स लगातार गिरती जा रही हो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो मैंने सबसे ज़्यादा खासकर छोटे निवेशकों के लिए बनाया था, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इंग्लिश का अभाव रहता है, कंपनी के बारे में समझ नहीं पाते हैं, तो यह वीडियो उनको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि उनको भी आसानी से इस कंपनी के बारे में जानकारी हासिल हो सके। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। चैनल पर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।